इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। छतरपुर जिले के बमीटा क्षेत्र के ग्राम गढ़ा में स्थित प्रख्यात तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर अब बालाजी सरकार की दुआ और कृपा के साथ आयुर्वेदिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के आयुष्मान मंत्री ने विगत रोज बागेश्वर धाम पर एक आयुर्वेदिक औषधालय का शुभारंभ किया है। इस औषधालय में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन 2 आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं 4 लोगों का सहयोगी अमला मौजूद रहेगा। शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे, छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर, SP सचिन शर्मा, पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा, पन्ना SP धर्मराज मीणा सहित धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थित रहे। बीती शाम मंदिर परिक्षेत्र में स्थित एक भवन में वैदिक मंत्रों के साथ फीता काट कर इस औषधालय का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत आयुष्मान विभाग के संभागीय अधिकारी ने धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एवं सभी अतिथियों का औषधीय पौधा भेंट कर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस। ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टाफ यहाँ पर रहे, आप सबको यहाँ पर दवाई भी प्राप्त हो सके। हमारे लाखों श्रद्धालु भी आएंगे, हमारे जो स्वयंसेवी हैं वो भी वहाँ पर सहयोग करेंगे। ये धाम है, यहाँ पे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से कोई बात निकल जाए तो बागेश्वर महाराज जी की कृपा होगी और नक्षत्र वाटिका भी बनेगा और हमारा हर्बल गार्डन के लिए एक पार्क भी हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने अधिकारी को निर्देश दे रहा था, कि इसकी तैयारी भी कर लो, बहुत जल्दी हम इसकी भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि पार्क तैयार करना है तो आपको जमीन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, जमीन की भी व्यवस्था होगी। और जो हमारे गौतम साहब ने बताए हैं कि नक्षत्रों की जानकारी औषधियों में, वो सारी की सारी व्यवस्था, वो सारी की सारी जानकारी हम उस पार्क में देने का काम भी करेंगे। और जब आप उस पार्क का दर्शन करोगे, जैसे बागेश्वर धाम में आप दर्शन करते हो, जब भी आओगे तो हम ऐसा वाटिका बनाएंगे कि आप वहां पर भी दर्शन करोगे और औषधि का आपको ज्ञान होगा और उस औषधि के ज्ञान से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस आयुष विभाग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमने हर पंचायत स्तर पर हमने वेलनेस सेंटर देने का काम किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार के लोगों को, और हमने ये जितने औषधालय हैं ये ज्यादा से ज्यादा हमने ट्राइबल ब्लॉक में भी खोलने का काम किया है। और उस ट्राइबल ब्लॉक में भी हमारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के वैद्य हैं, उनके क्षेत्र में जड़ी बूटियों का हम रिसर्च सेंटर भी खोल रहे हैं, ताकि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को हम रोजगार भी दे सके। और हमारी अपनी औषधि, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है, वो पद्धति कायम रहे, उसके लिए हमने देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी अभी हाल में 4 महीना पहले एक देवरण्य योजना प्रारंभ की है, ताकि मेरा गांव का आदिवासी समाज या मेरे गांव का किसान औषधि खेती करे और उस औषधि खेती से भी रोजगार उपलब्ध करा सके।